हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीके सी विशु और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यौन भेदभाव। अगर हम बात करें, जन्म के समय नवजात शिशु का जैविक दृष्टि से लिंग होता है लेकिन उसका यौन नहीं होता। लिंग का मतलब है सेक्स। कोई लड़का है लड़की, उसको एक निश्चित तरीके से पहचाना जा सकता है, लेकिन यौन का मतलब है एक समाजीकरण उसका, कि लड़के का कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो लड़का कहलाएगा, अगर ये कार्य कोई कर रही है तो वो लड़की कहलाएगी। ठीक है, अगर उसने इस तरीके के कपड़े पहने होंगे तो वो लड़का होगा, इस तरीके के कपड़े पहने होंगे तो लड़की होगी। तो ये होता है यौन। तो लिंग, जैविक दृष्टि से जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जैविक दृष्टि से लिंग होता है लेकिन यौन नहीं होता। यौन एक समाजीकरण का परिणाम है जो कि समाज द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को मिलता है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण उसके कुछ शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है, किंतु यौन का निर्धारण जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित व्यवहार, अभिव्यक्ति और भावनाओं को अपनाए जाने के बाद होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी लड़के का स्वभाव जो होता है वो काफी आक्रामक होता है, काफी कठोर होता है, लेकिन अगर उसी तरीके से किसी लड़की के स्वभाव की अगर हम बात करें तो उसका स्वभाव जो होता है काफी कोमल और अच्छा होता है। तो सभी समाज में किसी न किसी प्रकार का श्रम विभाजन होता है। जैसे खाना बनाने का कार्य जैसे प्राय हर समाज में औरतों के जिम्मे होता है, और इसी प्रकार बच्चों के पालन पोषण का भी जो कार्य है वो महिलाओं को करना होता है। और अगर हम पुरुषों के कार्यों की बात करें तो उसका कार्य जो होता है वो घर से बाहर के कार्य जो होते हैं वो कार्य होते हैं पुरुषों के। यौन भेदभाव में किसी भी व्यक्ति के लिंग के आधार पर पक्षपात या भेदभाव को मानना यौन भेदभाव कहलाता है। यौन भेदभाव के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? तो आजकल सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की काफी तरक्की हुई है, परंतु इसके साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार तथा शोषण जैसी घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। दहेज के लिए किसी वधू को जला देना, यौन शोषण करना, दुर्व्यवहार करना, पत्नी पर हाथ उठाना जैसी घटनाएं जो हैं वो मौजूद हैं। किसी भी औरत को शिक्षा न देना, बाल विवाह करवाना, भ्रूण हत्या आदि जैसी घटनाएं जो हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं यौन भेदभाव के? तो सबसे पहला कारण कि शिक्षा का अभाव। लोगों के अंदर इतनी शिक्षा नहीं है कि जितनी शिक्षा लड़कों को मिलनी चाहिए उतनी ही शिक्षा जो है वो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। तो इसकी जागरूकता अभी हमारे पूर्वजों में, या हम कहें माता पिता या दादा दादी नाना नानी में, ऐसी आई नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। क्योंकि महिलाओं को बाहरी संसार से दूर रखा जाता है तो ये भी एक तरीके से यौन भेदभाव का मुख्य कारण के रूप में शामिल हो जाता है। तीसरा है पुरुषों पर निर्भरता। क्योंकि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिली है, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो बाहर कहीं जाके कार्य कर सकें, तो वे पूरी तरीके से पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं, और ये भी यौन भेदभाव का एक कारण है। इसके बाद है चौथा हमारा रीति रिवाज। अगर हम हिंदुओं में भी देखें कि घूंघट करके रखना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ठीक है, तो उस तरीके से भी ये सारी चीजें जो हैं यौन भेदभाव के कारण में आती हैं। और ये सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं, अलग अलग हर धर्मों के समाज में है। अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो बुर्का पहनना है, पति जो है वो एक से ज्यादा विवाह कर सकता है, ठीक है, और कोई भी मस्जिद में प्रवेश नहीं करेगा। तो ऐसी बातें जो हैं ये भी सारी यौन भेदभाव के कारण के रूप में गिनी जाती हैं। अब पैदा होते ही लिंग भेदभाव और अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बच्चे के कपड़े से लेके कोई भी कार्य, अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो लड़का होगा तो उसको लड़के जैसे कपड़े दिए जाते हैं, लड़की पैदा हुई तो उसको फ्रॉक सूट सलवार ऐसी जो चीजें हैं ये सारी पहनाई जाती हैं। इसके अलावा खिलौनों में भी अंतर देखने को मिलता है कि लड़कों के खिलौने जो होते हैं, अगर कोई किसान का बेटा है तो ट्रैक्टर आदि से खेलता है, या अगर ट्रैक्टर आदि नहीं होते तो जमीन को खोद के उसकी जुताई करने जैसे खेल वो खेलता है। लेकिन अगर लड़कियों के खिलौने देखें तो उनको
जो है वो डिनर सेट वगैरह जो है खिलौने के तौर पे दिया जाता है छोटे मोटे, और घरेलू कार्य जैसे उनको सौंपे जाते हैं, खाना पकाने जैसे खेल वो खेलते रहते हैं, जो कि आगे चलकर इसमें और बड़े अंतर भी पैदा कर देता है। और महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न स्तर पर है, इसके भी कई कारण हैं, वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहला है पुरुष प्रधान समाज। अगर हम भारत की बात करें या किसी भी समाज की बात करें, तो हर समाज जो है लगभग पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें महिलाओं की बहुत ही कम हिस्सेदारी पाई जाती है। सेकंड है बुरे सामाजिक रीति रिवाज, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, बुर्का प्रथा, तीन तलाक इत्यादि जो है वो बुरे सामाजिक रीति रिवाज हैं, जिनके चलते भी महिलाओं का शोषण होता रहा है। इसके बाद है तीसरा, शिक्षा में कमी। हाँ, सबको पता है कि भारत में जो है शुरुआती दौर पे अगर जब भारत आजाद हुआ था, तो उसमें मुश्किल से 7-8% महिलाओं को शिक्षा मिली हुई थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो शिक्षा में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए 100% वो नहीं हुआ है। चौथा है स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता। उनकी आर्थिक निर्भरता हमेशा से ही या तो अपने पिता पे या फिर अपने पति पे या फिर अपने बच्चों पे ही रही है, तो इस वजह से भी स्त्रियां जो हैं वो शोषण का शिकार होती आई हैं। फिर इसके बाद है राजनीतिक निर्णय में महिलाओं की सीमित भागीदारी। अगर हम शुरुआती दौर से अगर हम बात करें, तो भारत में महिलाएं जो हैं वो कम ही राजनीतिक तौर पे उभर के आई हैं। अगर हम बात करें 33% आरक्षण की महिलाओं को, तो वो भी उनका पूरा आरक्षण का लाभ जो है उनको नहीं मिल पाया है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री को लेके, इंदिरा गांधी बनी थी, तो भारत में ऐसी बहुत ही कम ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हुए महिलाएं हैं। ऐसी पाकिस्तान की बात कर लें या किसी और देश की बात कर लें, हो सकता है दूसरे देशों में, कुछ देशों में ज्यादा हो इसकी स्थिति, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें इनकी स्थिति जो है वो बदतर बनी हुई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।